भारत की स्वतंत्रता के 70 साल पूरे होने पर उद्योग विहार सेक्टर 82 में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सोसाइटी के प्रेसिडेंट योगेश शर्मा ने झंडा फहराया और राष्ट्रगान के बाद सब ने वंदे मातरम के नारे लगाए। देखने वाली बात यह रही कि प्रभात फेरी के वक्त समूह में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी शामिल थे। सबके चेहरे पर अलग ही चमक दिख रही थी। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें गिफ्ट देकर प्रोत्साहित भी किया गया। इस उपलक्ष्य पर सोसाइटी के प्रेसिडेंट योगेश शर्मा ने कहा, आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हाथ से अंग्रेज चले गए और हमने सत्ता पाली, यही आज़ादी है। असली आज़ादी है हम एक दूसरे के साथ, सभी धर्मों के साथ, सभी जातियों के साथ, जो कमजोर लोग हैं उनका, उनकी हेल्प करें, उनकी सहायता करें। आज़ादी हमें अपने मन में लानी होगी, न कि तन से आज़ादी जो मिली हमें, हमें उसी से आज़ादी। सोसाइटी के बच्चों में देशभक्ति का अलग ही जुनून देखने को मिला। प्रभात फेरी से लेकर देशभक्ति के गाने भी सुनाए गए। वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्र यादव का कहना है, ये भारत हमारे गर्व का विषय है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं भारत के स्वतंत्रता दिवस को मना पाऊं, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस महापर्व में सभी को शामिल करना है, और मैं अपने पूरा प्रयास मेरा है कि इसको यादगार एक दिवस के रूप में मनाया जाए, और मेरे सभी सोसाइटी निवासी और सभी भारतवासी इस पावन पर्व में शामिल होकर अपने आहुति दें, इस भारत की आज़ादी के लिए आहुति दें, और मेरा वंदे मातरम। कार्यकर्ता अतुल चौधरी ने कविता की पंक्तियों से दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा, मत भूलो युद्धों के प्यासे, धरती ही बलिदानी है, लहुओं से भी ज्यादा गहरा मेरे स्कूल का पानी है। विश्व शांति का लाव बनाकर जलने वाले वो परवाने थे, अरे हड़प्पा से भी पहले हम मानवता के दीवाने थे। यदि ऐसी आंधी लहरी तो इनके भी सिर झुकाएंगे, यदि ऐसी आंधी लहरी तो इनके भी सिर झुकाएंगे। भारत माता के जवान तो वो है जो तूफानों को जंजीर पहनाए। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में सोसाइटी के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश के प्रति अपना प्यार व्यक्त किया। स्वतंत्रता दिवस स्पेशल में सिर्फ इतना ही। जल्द ही आपको मिलेंगे एक नए उम्मीद, नई टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए बोल बिंदास। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।